पांचवा अध्याय। ऋषि राज कहने लगे सुन राजन मन लाए, दुर्गा पाठ का कहता हूँ पांचवा मैं अध्याय। एक समय शुंभ निशुंभ दो हुए दैत्य बलवान, जिनके भय से कांपता था यह सारा जहां। इंद्र आदि को जीत कर लिया सिंहासन की, होकर ताज और तख्त को हुए देवता। देवलोक को छोड़कर भागे जान बचाए, जंगल जंगल फिर रहे संकट से घबराए। तभी याद आया उन्हें देवी का वरदान, याद करोगे जब मुझे करूंगी मैं। तभी देवताओं ने स्तुति करी, खड़े हो गए हाथ जोड़, लगे कहने ए मैया उपकार कर। प्रकृति महादेवी खतरा है तू, गोरी धरती वरदा है तू। ये पाठ सभी कीजिए, पृष्ठ संख्या 48 है। ये वही पाठ है जो आपने ब्राह्मणों के मुंह से सुना होगा। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चमन जी ने सरल भाषा में बनाया है। ये पाठ पढ़ के आपको पता लगेगा इस संसार में सिवाय भगवती के कुछ है ही नहीं। भूख प्यास थकावट नींद सब कुछ मेरी माँ है। Oh,
से बोले ऋषि सुन देवन की पुकार जगदम्बे आई वहाँ रूप पार्वती गंगा जल में जब किया भगवती ने स्नान देवों से कहने लगी करते हो इतना कहते ही शिवा हुई प्रकट तत्काल पार्वती के अंश से धारा रूप विशाल शिवा ने कहा मुझको है ध्यान Thank you.
जय माता दी, जय माता दी। साध संगत जी आनंद आ रहे हैं, जिन्ना आ रहे हैं उन्नी जोर दी कह दो जय माता दी, जय माता दी। एक बारी प्रा नहीं कहेंगे, संगत जी कह दो जय माता दी। सोनू जी आ रहे हैं, आनंद कह दो जय माता दी। छठा अध्याय, नव दुर्गा के पाठ का छठा है यह अध्याय, जिसके पढ़ने सुनने से जीव मुक्त हो जाए। ऋषिराज कहने लगे सुन राजन मन लाए, भूत ने आकर शुंभ को दिया हाल सुनलाए। सुनकर सब वृतांत को हुआ क्रोध से लाल, धूम्रलोचन सेनापति बुला लिया तत्काल। आज्ञा दी उस असुर को सेना लेकर जाओ, केशों से तुम पकड़ कर उस देवी को Bye.
जय मां। आठवां अध्याय पृष्ठ संख्या 58 काली ने जब कर दिया चंड मुंड का नाम, सुनकर सेना का मरण हुआ निशुंभ। तभी क्रोध करके पड़ा आप आगे Yeah.
महाकाली मुंह खोल के धाई, दैत्य के रुद्र से प्यास बुझाई। Thank you.
ऋषि राज कहने लगा मारा गया निशुंब क्रोध भरा अभिमान से बोला भाई शुंब हरि चतुर दुर्गा तुझे लाज जरा ना आए करती है अभिमान तू भलो का जगदाती बोली तभी दुष्ट तेरा अभिमान मेरी शक्ति को भला सके कहां पहचान मेरा ही त्रिलोक में है सारा विस्तार मैंने ही उपजाया है यह सारा संसार चंडी काली ऐंदरी सब मेरा ही रूप एक हूँ मैं ही अंबिका मेरे सभी स्वरूप मैं ही अपने रूपों में एक जान I'm not afraid.
ग्यारवा अध्याय पृष्ठ संख्या 70। ऋषिराज कहने लगे, सुनो ए पृथ्वी नरेश, महाअसुर संहार से मिट गए सभी तारे, इंद्र आदि देवता सभी कली मुसीबत जान, हाथ जोड़ कर अंबे का करने लगे ध्यान, तू रखवाली माँ शरणागत की
पृष्ठ संख्या 74 द्वादश अध्याय में है माँ जी का आशीर्वाद। सुनो राजा तुम मन लगाकर देवी देव संवाद। हुण वेखो जी जो तुसी पढ़िया है उनके बदले माँ जी की देंदे ने। सब माँ जी ने अपने श्री मुख तो कहा है, कह दो जय माता दी, फिर कह दो जय माता दी। जय महालक्ष्मी बोली तभी करे जो मेरा ध्यान, इस दिन मेरे नामों का जो करता है गुण। बाधाएं उसकी सभी करती हूँ मैं दूर, उसके गृह सुख संपत्ति बढ़ती हूँ भरपूर। अष्टमी नामी चतुर्दशी करके एकाग्र चित्त से देवी के गुण गाओ।
चरण में पड़ो तुम भी जगदम्बे आशीर्वाद से 13 अध्याय बहुत सुंदर हुए हैं। एक बार इन 13 अध्यायों के लिए हाथ ऊपर करके कह दो जय मां, जय मां, फिर कह दो जय मां, जय मां, फिर कह दो जय मां, जय मां। बोल सच्चे दरबार की जय। महाचंडी स्तोत्र। जय चंडी अंबे महारानी, जय चंडी अंबे महारानी, सुंदरवाहिनी खड़क धारिणी, I'm not afraid.
उसके ऊपर संकट नहीं आता।
108 नाम माला है वो एडिशनल है, ऐसा मैं नहीं कह रहा। मैंने एक बार अपने गुरु महाराज के साथ चमन भारद्वाज जी के पुत्र के श्रीमुख से ये पाठ सुना था। मैं तो उनके पाँव के नाखून की मिट्टी भी नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने ही कहा था यहाँ तक का पाठ श्री दुर्गा स्तुति पाठ है। आइए नमन प्रार्थना करें और माँ के रंग में रंगें। माँ जगदम्बे तुम हो जगत जननी मैया, ये मेरे भी कष्ट निवारो। संभाल सकें, इसकी कदर कर सकें, तो ही अपने निवास स्थान पे लेके जाएं। ये आपका प्रसाद है। भवन पे लाल रंग की थैलियाँ भी हैं, वो भी आपको मिलेंगी चौकी समाप्त होने के बाद। पर पुस्तक तभी लेके जाना जब आपने इस पुस्तक का सम्मान करना हो। बोल सच्चे दरबार की जय। चौथा जगदिया जोता वाली माता त्वाडी सदा ही जय। पाठ खत्म होया चौंकी नहीं खत्म हुई, बह जाओ।
हे चंडिया वाली माँ, हे चंडिया वाली माँ, मेरा परनाम स्वीकार करो। ਤੁਹਾਡੀ
ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਮਾਂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ।
वाले माते आए नवरात्रे देख मेरी दी गली गली बिच होते नचराते Oh,
बहुता मस्ता के वेले नहीं जाने चाहिए ये पागल कर देंगे ने अपनी आई में आ जाते तुसी ठीक ठाक होवोगे पर तुहानू नबेड़ देंगे जय हो ना जाई ना जाई ना जाई मस्ता दे वेड़े ना जाई हस्ती चढ़नी पारी जी हस्ती चढ़नी पारी जी तेरी हस्ती मिट जाऊ सारी जी तेरी हस्ती मिट जाऊ सारी जी मैं क्यों ना पाठ करावा मैं क्यों ना पाठ करावा आज बरसी मेरे गुरुआ दी मैं क्यों ना पाठ करावा मैं क्यों ना पाठ करावा आज बरसी मेरे गुरुआ दी चोलियां जावा मैं पर पर चोलियां जावा आज बरसी मेरे गुरुआ मैं क्यों ना पाठ करावा मैं क्यों ना पाठ करावा आज बरसी मेरे गुरुआ दे असी कुछ भी खुद नहीं किता चोली फैलाई संगत ने पर भर दिता संगत ने पर भर दिता हुण क्यों ना खुल के लावा हुण क्यों ना खुल के लावा अज बरसी मेरे गुरुआ दी मैं क्यों ना पाठ करावा मैं क्यों ना पाठ करावा अज बरसी मेरे गुरुआ दी 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 अज बरसी मेरे सच्चे दरबारी की जय आज की अंतिम हाजिरी जय महाराज उसके बाद महाराज जी का सत्संग और चौकी का भोग ये हाजिरी हमारे सतगुरु माता कृष्णा देवी जी की है तेरा जी ये माँ जी की लीलाएं तो बहुत है पर एक लीला ऐसी है
किसको रहने दी? जो सबको पता है सुदर्शन पारक में इनकी संगतों में सबको पता है। एक बार फिर उस लीला को आपके आगे रख रहे हैं, उसके बाद जो गुरुओं का हुक्म कह दो, जय माता दी, जय माता दी, फिर कह दो जय माता दी, जय माता दी। आटे दे पेड़े ना, आटे दे पेड़े नल दीती जीवा चढ़ा, कोई यकीन नहीं कर सकता। एक बच्ची ने अपनी जीभ काट दी सिर्फ इसलिए कि उसके पति ने कहा था माता कर दी की है, तो उन्हें क्या सी मेरी माँ कट्टे शीश मिला ली है। पति देव ने कहा बेकार दी गल है, कह के वो चले गए। लेकिन शिला बच्ची दे दिल विच गल आ गई और उन्हें जीभ कट दिती अपने मंदिर विच। साढ़े माँ जी ने आटे दे पेड़े नल दीती जीवा चढ़ा, आटे दे पेड़े नल दीती जीवा चढ़ा, वावा तेरी सतगुरु कृष्णा। यकीन नहीं होगा जिन्होंने ना कभी देखा माता जी को, जो सिर्फ मेरे गुरु जानते हैं, हो सकता उन्हें यकीन ना हो, लेकिन सच यही है। आटे से, आटे से, आटे से पेड़े नल दीती जीवा चढ़ा, बाबा तेरी सतगुरु कृष्णा। आटे दे पेड़े नल दीती जीवा चढ़ा, आटे दे पेड़े नल दीती जीवा चढ़ा, बाबा तेरी सतगुरु कृष्णा। जीवा कट्टी शिला बच्ची माँ दे नाम ते, कह गया जुमा मेरे सतगुरा ते, कह गया जुमा तेरे सतगुरा ते, कह गया जुमा तेरे सतगुरा ते। सतगुरा 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 दिती माँ ने अलग जगा, सतगुरा दिती माँ ने अलग जगा, सतगुरा दिती माँ ने अलग जगा, बाबा तेरी सतगुरु भजन दा होया मेल जी, छेने ते भजन दा होया मेल जी, माजी किता पवन दा सोना मेल जी, माजी किता पवन दा सोना मेल जी, माजी किता पवन दा सोना मेल जी। पवन आई माजी को, पवन में आवाज हुई, ओ करो महाचंडी यज्ञ, करो महाचंडी यज्ञ हुक्म दिता, करो महाचंडी यज्ञ हुक्म दिता, बाबा तेरी सतगुरु कृष्णा। आटे दे पेड़े नल दीती जीवा चढ़ा, आटे दे पेड़े नल दीती जीवा चढ़ा, बाबा तेरी सतगुरु कृष्णा। हवन विच यज्ञ विच, यज्ञ विच जीवा दी आहुति पाओ जी, यज्ञ विच जीवा दी आहुति पाओ जी, देखो फेरी ज्वाला माती सोनी लीला जी, देखो फेरी ज्वाला माती सोनी लीला जी, देखो फेरी ज्वाला माती सोनी लीला जी। हवन कुंड में कटी हुई जीव डाली गई, तब चौकी ची आवाज होई, आवाज होई लाओ गेड़ा जी, चौकी ची आवाज होई लाओ गेड़ा जी, मंदिर मूरत पीछे पया है एक पेड़ा जी, मूरत पीछे पया है एक पेड़ा जी, मूरत पीछे पया है एक पेड़ा जी। जाके देखा मंदिर में मूर्ति के पीछे, वहां पेड़ा पड़ा हुआ था,
वचन सिद्ध होया कृष्णा मैया दा पेड़ा नहीं ओ खेड सी जी दुर्गा मैया दा पेड़ा नहीं ओ खेड सी जी दुर्गा मैया दा पेड़ा नहीं ओ खेड सी जी दुर्गा मैया दा माई ने वो पेड़ा लिया शिला बची शिला बची शिला बची दे दिता मुख विच पा शिला बची दे दिता मुख विच पा बाबा तेरी सत गुरु कृष्णा बाबा आते जे तेरी कभी कभी बाजना आते जे तेरी कभी कभी बाजना बाबा तेरी सत गुरु कृष्णा बाबा लो नाल लो लगी कृष्णा मैया दी लो नाल लो लगी कृष्णा मैया दी जोत नाल जोत जगी कृष्णा मैया दी जोत नाल जोत जगी कृष्णा मैया दी जोत नाल जोत जगी कृष्णा मैया दी पेड़ा पाके मुख विच बोली कृष्णा मां पेड़ा पाके मुख विच बोली कृष्णा मां चढ़ गई है जीवा तेरी बच्ची है शिला चढ़ गई है जीवा तेरी बच्ची है शिला चढ़ गई है जीवा तेरी बच्ची है शिला हुक्म आया जय माता दी जय माता दी जय माता दी सबनू बोल के दिखा जय माता दी सबनू बोल के दिखा बाबा तेरी सतगुरु कृष्णा बा आते दे तेरे कदी ती जीवा चढ़ा आते दे तेरे कदी ती जीवा चढ़ा बाबा तेरी सतगुरु कृष्णा बा सतगुरु कृष्णा बा माँ जी ने उन्हें क्या बोल जय माता दी तो किस तरह बोले जय माता दी आटे का पेड़ा और स्किन मुख विचों निकले ना अखर एक भी मुख विचों निकले ना अखर एक भी समझ ना पाई ओ ता शक्ति शक्ति दी समझ ना पाई ओ ते शक्ति शक्ति दी फिर चौकी विच लाइया जद चपेड़ा दो जी चौंकी में देखने वाले बताते थप्पड़ पड़े थे उसको चौंकी विच लाइया जद चपेड़ा ओनू जी जय माता दी आपे बोल पई जय माता दी आपे बोल पई जय माता दी आपे बोल पई चारों पसे छा गया कृष्णा चारों पसे छा गया कृष्णा तेरी सतगुरु कृष्णा तेरी सतगुरु कृष्णा तेरी सतगुरु कृष्णा आटे के पेड़ ना आटे के पेड़ ना दीदी जीवा चढ़ा तेरी सतगुरु कृष्णा आइए माँ के लिए ताली मार के बोले लास्ट में सीधे हाथ ऊपर करके अगर आपको लगे तो माँ जय सोना और नहीं होना हाजरी कबूल करें साथ संगत जी अब स्वामी रामानंद जी का द्वारा सत्संग होगा उसके बाद आप सभी लंगर प्रसाद ग्रहण करके जाएंगे जय माता दी गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् नमः ध्यान मूलं गुरुर्दी
पूजा मूलम गुरु मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरु सद्गुरु महाराज की जय गुरु सब संतन की जय गुरु सब भक्तन की जय गुरु जगदम्बा की जय। प्रभु प्रेमियों बड़ा ही अच्छा दिन है कि हम जहां पर माँ की शरण में बैठ करके माँ शक्ति की शरण में बैठ करके और माता कृष्णा देवी की पुण्या जो है ये आप हम लोग जैसी जन्मदिन मनाते हैं तो संत महापुरुषों का पुण्यातिथि करके ऐसा हम लोग पुकारते हैं, उनकी पुण्यातिथि मनाई जाती है। तो आज आप सभी लोग जो है उसी उपलक्ष से यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं तो उनका तो मैं कुछ वर्णन नहीं कर सकता हूँ। आपको सारा सन्नी जी ने बड़े ही अच्छी तरह जो है उनकी महिमा बता दिया कि उनके मंदिर में जब मैंने भी देखा कि किसी ने जीव काट दिया था और वो नौवें दिन जो है जीवा लग गई थी। अब हम लोगों ने सभी ने थोड़ा सा बैठ करके क्योंकि समय ज्यादा हो चुका है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, थोड़ा सा हम लोग अगर कुछ ऐसा बैठ करके ऐसी सभाओं में ऐसी योजनाओं में एक आधी बात भी अगर हम अपने मन में बिठा लेते हैं तो बंधु उसी से कल्याण हो जाता है। दत्तात्रेय ने 24 गुरु ऐसे मान लिए मन में कि जहां भी जो कुछ मिला कोई ऐसी शिक्षा वही जो है उनको मान करके उसने मन में धारणा बनाई कि मैं अपने जीवन में ये बात उतारूंगा। चित्रों की अपेक्षा अगर आपका ये जो चित्र लगे हुए हैं अगर हमारा चरित्र अच्छा होगा तो और भी अच्छा है, और चित्र अच्छा होने के साथ साथ ये चित्रों की महिमा भी बढ़ जाएगी। चरित्रों के साथ साथ जो गाने वाला होता है जो बोलने वाला होता है उसकी महिमा बढ़ जाती है। अगर कोई गाने वाला बोलने वाला उसका चरित्र अच्छा नहीं होगा वो जितना भी मर्जी जोर लगाए पर वो दूसरे के मन में जगह नहीं बना सकेगा। अगर हमारा चरित्र अच्छा होगा तो देवता लोग भी आकर के जो है ना वो भी फूल बरसाते हैं, केवड़ के ऊपर फूल बरसाए देवताओं ने आकर के। बिल्ली के पास राम जी खुद चले गए हैं मिलने के लिए, क्यों? क्योंकि उनका चरित्र इतना अच्छा था, उनका भाव इतना अच्छा था, जैसी रही जिसकी भावना। तुलसीदास ने भी कहा है कि जैसी आपकी भावना होगी वैसा ही फल और वैसा ही रूप आपको आगे दिखेगा। प्रहलाद जब भक्ति करने लगे तो नारद जी ने जो बताया उसी के अनुसार जो है वो बोलने लगे और ध्यान में तल्लीन हो गए और विष्णु भगवान भी आगे सामने खड़े हो गए और वो ध्यान में इतनी मगन है। इंसान जब भक्ति करता है घर में तुम पूजा स्थल में बैठते हो तो आपका ध्यान कहाँ होता है? मोबाइलों में। आपका ध्यान कहाँ होता है? टीवियों में। टीवी बुरा नहीं है, मोबाइल बुरे नहीं है, लेकिन आपको उसका प्रयोग करना नहीं आ रहा है। समय समय पर जिस चीज की जरूरत होती है अगर उसको ध्यान में रख करके आप अपना कार्य करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। अब आप जहां पर बैठी हो आपने पाठ किया कितना अच्छा लगा, आपका मन कितना इसमें प्रसन्न होगा, लेकिन जो मन से यहां बैठा होगा। और आपने देवी भागवत में सुना होगा, मैं आपको थोड़ा सा ये प्रसंग सुनाता हूं कि जैसे हम लोग कहते हैं कि बीज मंत्र क्या होता है, बीज मंत्रों में बहुत शक्ति है लेकिन हम लोग जो है सोचते हैं कि वो कहां मिलेगा। आपके शास्त्रों में बीज मंत्र भरे हुए हैं लेकिन हमें ज्ञान ना होने के कारण हम ऐसे दौड़ पड़ते हैं।
बीज मंत्र तो आपके मंत्रों के बीच में शास्त्रों में लिखे हुए हैं और बीज मंत्रों में बहुत शक्ति होती है बंधु, याद रखना। एक साधारण मंत्र होता है वो सांप को आगे नहीं चलने देता है। अब यहाँ बैठे ज्ञान से बोलेंगे सांप आगे नहीं आ सकता है, सांप वहीं रुक जाएगा। और भी ऐसे मंत्र हैं जो प्रयोग करते हैं लोग तो उसको देखा जाता है, लेकिन परमात्मा का मंत्र जो बीज मंत्र है उसमें कितनी शक्ति होगी, जो माँ का मंत्र होगा या परमात्मा का कोई ऐसा मंत्र रुद्र को इशारा करता हो। पर हम मन से ना चिंतन करते हैं इसलिए हमें बहुत दुख उठाने पड़ते हैं। इसलिए संत लोग कहते हैं कि जब तुम उसका सहारा लेकर के चलोगे, यहां भी आपका मन लग गया, जिसको भी आपने अपना इष्ट मान लिया, अगर आप उसी में विश्वास पक्का करके दृढ़ निष्ठा बना करके लग जाओगे तो उसी से कल्याण हो जाएगा, ये पक्की बात है। आपको मैं देवी भागवत का ही आज, क्योंकि ये सारा जो है आपने पाठ किया है तो मां के जो गुणगान आपने इस जीवा से किया और गुणगान जो है इस इन कानों से सुना श्रवण किया। देवी भागवत में देवव्रत नाम का एक ब्राह्मण था, ये देवी भागवत में कथा आती है, किसी को टाइम हो तो पढ़ लेना। उसके घर में कोई बच्चा नहीं है, पहले ऐसे ही होता अब भी होता है कि जब आदमी हार जाता है तो किसी संत महापुरुष की शरण में या गुरुओं की शरण में जाकर के प्रार्थना करता है। देवव्रत नाम का ब्राह्मण जो है उसने भी जाकर के अपने गुरुओं के पास प्रार्थना किया कि महाराज मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है, कोई बच्चा ही नहीं है और किसी चीज की कमी नहीं है, इसलिए आप कृपा करो मेरे को कुछ बताओ। अब ऋषियों ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जैसे राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था आपको भी एक ऐसे ही यज्ञ करना पड़ेगा, पुत्रेष्टि यज्ञ करो आपको एक पुत्र प्राप्त हो जाएगा। बंधु विश्वास से अगर आप शक्ति माँ की शरण में लग जाते हो तो ऐसा नहीं है कि तुम खाली रहोगे, आप जो चाहोगे वो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपका विश्वास जो है वो दृढ़ होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जब कोई घर में ऐसी परिस्थिति आती है दुख की झड़ियां आ जाती, कई बार पहाड़ टूट जाते हैं दुखों के, तो हमारी निष्ठा टूट जाती है कि क्या करना है ऐसी पूजा को जिसमें हमें इतना कष्ट मिल रहा है। आपकी परीक्षा हो सकती है, इसलिए घबराना नहीं, कभी कोई घर में ऐसा कोई परिस्थिति आ जाए, कोई घटना घट जाए, आपने अपने इष्ट को जिसको तुम मानते हो उसको छोड़ना नहीं। अब क्या हुआ, उन्हीं ऋषियों को बुलाया गया, गोबल नाम के ऋषि हैं, और भी ब्राह्मणों को बुलाया गया पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए, अभी तैयारी की गई है। और भी बात याद रखना, जब तुम ऐसे किसी महापुरुष को बुलाते हो या ब्राह्मण को यज्ञ के लिए, आपने यह उनको बुला लिया और यज्ञ पर बैठा दिया तो उनका अपमान नहीं करना, क्योंकि आपने अपनी तरफ से जो देना है वो मान लिया, मन में सोच लिया। अब उनका काम करना, क्या करना है उनको पता है, अगर नहीं करोगे तो उनको भरना है। हमने अपना काम करना है, उन्होंने अपना काम करना है, तुम अपना काम करो, भक्ति करो, परमात्मा का स्मरण करो। परमात्मा अपना काम करते हैं, जिसको अपनाते उसको छोड़ते नहीं, क्योंकि गीता अगर तुम पढ़ते हो तो उसमें कृष्ण जी ने भी लिख दिया कि सर्वधर्मान् प्रत्यज्य मामेकं शरणं व्रज। यो इंसान जितना भी मर्जी कोई पापी अगर पाप छोड़ करके ऐसा सोच करके मान करके मेरी शरण में आ जाएगा, तो कृष्ण ने भी कहा कि मैं वैद्य से कहता हूं जब वो मेरा बन जाएगा तो उसका भार मेरे ऊपर हो जाएगा और मैं उसका बेड़ा पार कर दूंगा। ये गीता तुम रोज पढ़ते हो, पर कभी कभी हम जो है उस शब्द को अच्छी तरह विचार नहीं करते हैं कि शब्द का अर्थ क्या है। ऐसी गीता आपको बता रही है कि अगर मरते समय भी कोई ऐसा याद करता है मेरे को, भगवान कहते मैं उसको कहां भेजता हूं, परम धाम में पहुंचा देता हूं। अंत काली चमा में सुन मुखमा कलीबरा अंत मता सुखता, जैसे हम बोलते हैं
कि जीव कहाँ जाता है, कहाँ जाना है। अगर तुम मकान को सोचते सोचते चले जाओगे तो शिपकली बन करके वहां ही चिपक जाओगे, जाना कहाँ है। आदमी की जैसी धारणा होती अंत समय उसका जन्म भी वैसा ही उसको आगे मिलता है। माता जी का मेरे साथ 2-3 साल 4 साल साथ रहा, मैं वर्णन नहीं कर सकता कि उनके मेरे साथ कितना प्रेम भाव था और उनके मन में क्या था कि मैं आपके पास ही महात्मा जी रहना चाहती हूँ। लेकिन ये भक्त लोग आपको छोड़ेंगे नहीं, ये आपको तंग करेंगे। देखिए हमारे पास क्या है, इंसान सच्चे हृदय से स्वार्थ को छोड़ करके अगर इंसान से प्रेम करता है वो तुम्हें परमात्मा के चरणों में पहुंचा देगा। लेकिन जब संसारी आदमी प्रेम भी करता है उसमें कोई स्वार्थ होता है और वो प्रेम जो होता है वो इंसान को डुबो देता है। प्रेम प्रेम में अंतर है, इसलिए कहते हैं कि अगर प्रेम करना तो तुम निस्वार्थ होकर के परमात्मा से शक्ति मां से प्रेम करके देखो, हमारा और तुम्हारा सबका बीड़ा पार हो जाएगा। देवव्रत ने ब्राह्मणों को, गोवल ऋषि को, आदि ब्राह्मण जो भी है वो लाए और पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए जो है उनको वर्णी दी गई है। अब पुत्रेष्टि यज्ञ शुरू हो गया है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऐसा मंत्रों में आता है या कुछ दान की कमी होती है तो क्या होता है, कभी ह्रस्व दीर्घ पुलुत ऐसे मंत्रों में बोला जाता है, कभी शब्द नीचे करना पड़ता है, कभी ऊंचे, कभी और ऊंचे करना पड़ता है, तो उसमें थोड़ी सी कमी आई। देवव्रत ने कहा कि आप मंत्रों का उच्चारण ठीक नहीं कर रहे हो, इसलिए मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। उसी वक्त ऋषि ने कहा कि आपको क्या पता है, ऐसा नहीं है कि मैं मंत्र का उच्चारण ठीक नहीं कर रहा हूँ, आपको क्या पता है, कभी कभी मुंह से हवा आगे पीछे होने के कारण आपको लगा। जाओ, अगर आपका भाव ऐसा है तो मैं भी आपको बताता हूँ कि मंत्रों में कितनी शक्ति होती है। आपका आने वाला बच्चा, आपको बच्चा जरूर प्राप्त होगा, लेकिन आने वाला बच्चा वो महामूर्ख होगा। ये ऋषियों के मन से भी अंदर से बात निकल गई, आपको बच्चा मिल जाएगा, आपकी इच्छा है, पर बच्चा आपको जो मिलेगा वो जड़ बुद्धि वाला होगा, महामूर्ख होगा। जब इतनी बात ऋषियों ने कही तो वो अब घबरा गया। गलती होने के बाद भी अगर तुम गलती को बंधु मान लेते हो, भगवान कहते हैं गलती इंसान ही करता है, लेकिन फिर भी तुम अगर भगवान की शरण में आकर के अपनी गलती का पश्चाताप कर लोगे तो आपकी गलती माफ भी हो सकती है। तो हम चोरी करते हैं, दूसरा हम आगे से और जो है डराते हैं। भगवान कहा, वो तो व्यापक रूप में शक्ति मां व्यापक रूप में सबको जानती है, तुम छुप करके भी कुछ करते वो जानते हैं। इसलिए दिल साफ से तुम परमात्मा को पुकार करके देखना, शक्ति मां को पुकार करके देखना, तुम अर्जी लगा करके देखना, आपकी अर्जी मंजूर हो जाएगी। अब उन्होंने बोल तो दिया लेकिन वो घबरा गए। देवव्रत नाम के जो ब्राह्मण है उनके चरणों में पड़ गए कि महाराज आप मेरे को माफ कर दो, मेरे से गलती हो गया है। उन्होंने कहा अब जो बोला गया वो माफ नहीं हो सकता है, लेकिन मैं इतना ही कर सकता हूँ। यह उसने बहुत प्रार्थना किया तो दया तो आई, पर कहते अब जो बोल दिया वो बोल दिया, लड़का तो मिलेगा तेरे को लेकिन महामूर्ख तो होगा, पर मैं ये जरूर आपको अब पश्चाताप हो रहा है, दुख हो रहा है, लड़का आपका 14 साल के बाद ठीक होगा। 14 साल आपको ऐसे ही निकालने पड़ेंगे, 14 साल बीत जाने के बाद जो है वो ठीक होगा। अब बंधु लड़का तो उसको मिल गया समय पर जड़ बुद्धि महामूर्ख है। कई बार माताएं कहती हैं इससे अच्छा था अगर ये पहले ही समाप्त हो जाता, ये मेरे को ऐसा पुत्र ना प्राप्त होता तो मैं सुखी रहती, ये चार भाई के ऊपर पड़ा हुआ इसको ये रोग लग गया, मैं क्या करूं, लेकिन कुछ हो नहीं सकता है। अब बंधु वो पुत्र तो मिला लेकिन जड़ बुद्धि महामूर्ख है और उसको भी अपने आप को जो है या दुनिया उसको मजाक करती है तो उसको भी महसूस होने लगा। अब उसने क्या किया, चला जाता है दौड़ करके घर से बाहर हो जाता है और गंगा के किनारे जाकर के एक जगह बैठ जाता है और वहां जो कुछ भी प्राप्त होता है खाता। 14 साल होने के बाद अब समय आ गया है, ये मैं आपको
अभी सन्नी जी ने आपको बुलवाया आपसे ओम ऐं अरें क्लीं चुंडाई विच्चे, ये नवान मंत्र है। और हम पूछते हैं लोगों को, आप वैष्णो माता के गए थे, वहां किस किस रूप का दर्शन किया, तो ये तो पता नहीं, वो मत्था टेका वहां जाकर के फिर वो सो गए बस, ये नहीं पता कहते। इसलिए यहां भी जाओ, वहां की उस जगह की महिमा का कुछ जो है आप किसी से पूछो कि यहां क्या महिमा है, इस मंत्र में कितनी शक्ति है, आप करके देखना। अभी क्या हुआ, अभी जो है वो वहां बैठ करके गंगा के किनारे जब समय आ गया, अब उसने माँ से प्रार्थना किया, जब समय आता है आप जरा विचार करो, आपकी गाड़ी बहुत अच्छी है, 25 लाख की गाड़ी आपने ले लिया है, और ड्राइवर जो है वो कैसा है, वो ठीक नहीं है, तो 25 लाख की गाड़ी क्या करोगे, ड्राइवर में तो वो पता नहीं कहाँ फेंक देनी, कहाँ एक्सीडेंट हो जाना है। गाड़ी अगर टूटी फूटी भी है, ड्राइवर अच्छा है और वो मैकेनिक भी है, तो टूटी हुई गाड़ी भी आपकी अच्छी जगह पहुंचा देगा। आप इस मानव शरीर में आए हो, जो आपकी एक गाड़ी है, आपका शरीर और ड्राइवर से आपकी बुद्धि है, अगर आपकी बुद्धि अच्छी होगी तो आप इस जीवन यात्रा को पार कर जाओगे। इसलिए आपको अच्छा संग करना है, ऐसी जगह में आकर के आपने थोड़ा सा कोई ऐसी बात लेकर के अपने जीवन में उतारनी, तो बंधु क्या हुआ, समय आ गया, बैठा हुआ मां से प्रार्थना कर रहा है कि हे गंगा मैया, मेरे पर कृपा करना और मैं सत्य बोलूंगा, ऐसा प्रण कर रहा है। देखिए जो पागल जिसको कहते थे आज प्रण कर रहा, मैं आज के बाद जो है झूठ नहीं बोलूंगा, सत्य बोलूंगा। इतनी देर में क्या हुआ, एक शिकारी ने एक सुअर को बाण मारा और वो सुअर दौड़ता हुआ आया उधर से, उसके पीछे से चला गया। जैसे तुम बैठे रहते हो, कोई आए तो आप डर जाओ, और कई बिल्ली आए डर जाते हैं, और वो डर के कारण उसने क्या कहा, डर गया वो सुअर निकला, और वो डर के कारण उसके मुख से निकला एक नहीं निकला, जो मंत्र में तो एक है, ऐ निकला। मां सरस्वती खुश हो गई उसके ऊपर, देखिए अभी पूरा मंत्र भी नहीं है, ये बीज मंत्र है, ऐ हुआ, एक नहीं हुआ था, फिर भी उसकी बुद्धि जो है एकदम सरस्वती ने कृपा कर दी, उसकी जीभ पर बैठ गई। उधर से शिकारी आया, उसने कहा क्या करते हो, कहता ऐसे बैठा हूं यहाँ, कहते यहां से सूर निकला, उसने उसी पर सोच लिया कि मैंने प्रण किया, किसी जीव की अगर मौत आती है तो वहां थोड़ा झूठ बोलना है, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि मैंने प्रण कर लिया कि मैं सत्य बोलूंगा, तो मैंने इसको बोलना भी है, और अपना जो मैंने अब मन में सोचा हुआ सत्य वो भी ठीक रखना। क्या कहा उसने, कहते सुनो, जिन आंखों ने देखा है वो बोल नहीं सकती है, और जो बोल रहा वो देख नहीं सकता, मैं क्या बताऊं तेरे को, सरस्वती ने कृपा कर दिया, इसीलिए जो है बच्चों को सरस्वती माँ का मंत्र दिया जाता है, पढ़ने वालों को तुम ये करो आपकी बुद्धि तीव्र हो जाएगी। अभी यही बोलना था उसको, सरस्वती ने कृपा कर दिया, अगर तुम नवान मंत्र का इन बीज मंत्र का पाठ करते हो तो क्या क्या मिल सकता, मैं क्या वर्णन करूं आपको। इसलिए बंधु गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव सब कुछ ही कर सकते हो, आप सब कुछ ही कर सकते हो, मेरे पापानू भी हर सकते हो, मेरे पापानू भी हर सकते हो, मैं भी इधर तेरे
सोना मैं भी तेरे दर ते आया हूँ, दर ते खाली मोड़ियो ना गुरुदेव नमा गुरुदेव नमा गुरु देव नमा गुरु देव नमा गुरुदेव आप अमृत पिलांदे हो गुरुदेव आप अमृत पिलांदे हो कागा कागा तो हंस बनांदे हो कागा तो हंस बनांदे हो मेमी हंस गुरु तेरे दरबार दा मेमी हंस गुरु जी तेरे दरबार मैनू हंस तो काग बनायो ना मैनू हंस तो काग बनायो ना गुरुदेव नमा गुरुदेव नमा गुरुदेव चलांदे हो आप जगदीनों का चलांदे हो गुरुजी डूबदियानू बेड़े बने लांदे हो गुरुजी डूबदियां दा बीड़ा बने लांदे हो मेरी मझधार नहीं आए मेरी मझधार नहीं आए मेरी नैया गुरु जी पार लगा देना गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव तुम अंतर्यामी हो गुरुदेव तुम पूर्ण ज्ञानी हो गुरुदेव तुम पूर्ण ज्ञानी हो मुझे तेरी कृपा दा एहसास है प्रभु जी गुरु जी तेरी कृपा दा एहसास है मेरा मान ना गुरु जी तुम तोड़ियो
विश्वास करके तुम गुरु शरण में अगर लग जाते हो इंसान पार हो जाता है। लग करके देखो, जैसे सनी जी बड़ा अच्छा लगता है मेरे को, या वैसा कोई सच्चे मन से विराग से गाता है तो देवता लोग भी देखते हैं। हमारा लक्ष्य कई बार पैसा पैसा पैसे के लिए हम बड़ा वो हर समय पुकारे करते हैं, ऐसा नहीं करना। ये सब चीजें आपको मिलेंगी, क्योंकि जब कहते ये परमात्मा ने संसार बनाया, कीड़ी को कण भर, हाथी को मण भर, कीड़ी का जितना शरीर है उसके लिए उतना परमात्मा ने निश्चित कर दिया, और हाथी का कितना बड़ा शरीर है उसको भी निश्चित कर दिया। परमात्मा किसी को भूखा नहीं रहने देते हैं। तुम लग करके तो देखो भगवान की शरण में। इसलिए बंधु, ये परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि आपने जरा ध्यान से विचार करना, मैं अभी समाप्त करता हूं। कई बार हम कई ऐसी चीजें छुपाते हैं तो वो सिंचा भर लेते हैं और वो निकलती जाते हैं, लेकिन वो जैसा भर दिया वैसा ही निकल रही है। पर परमात्मा का बनाया हुआ मां के पेट में जब जीव की स्थिति होती है तो यह बाहर आता है। तुम जरा मूल को जानना कि मैं कौन हूं, और मूल आपके अंदर चेतना परमात्मा आत्मा जो है ये परमात्मा का अंश तुम्हारे अंदर ही है। इसीलिए कहते हैं कि तू परमात्मा को ढूंढ रहा है बाहर, और परमात्मा तो तेरे अंदर ही तो बोल रहा है। इसलिए बाहर वृत्ति को हटा करके बंधु अंतर्मुख होकर के तुम अगर परमात्मा को याद करोगे तो बड़ी जल्दी आपको जो है अमृत की प्राप्ति होगी। अंदर आपके अमृत भरा हुआ है और तुम हमेशा ही अनंत स्वरूप हो, आत्मा आपकी अनंत स्वरूप है। लेकिन हम परेशान हैं क्योंकि हम जान नहीं सके अपने आप को, इसलिए परेशान है। तो मैं बहुत बहुत इस मोहल्ले का, आए हुए भक्तों का बहुत बहुत साधुवाद है, आपको बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप इस लक्ष्य से कि मां की पुण्यतिथि सनी जी और उनके भक्त जो है सब मनाते बड़े हर्षोल्लास से, ऐसा ही गुरुओं के प्रति आपका अगर प्रेम भाव होगा वो आपको पार करेगा। क्योंकि ऐसे अजोधन जो होते इसी हिसाब से रखे जाते हैं कि हमारा प्रेम आगे आगे परमात्मा के प्रति सुन करके गुरुओं के प्रति बढ़ता जाए और हम अपनी इस मंजिल को पार करें। तो इसलिए बहुत अच्छा है, और आप सदा ही बढ़ चढ़ करके जो है ऐसा हिस्सा लेते रहिए, और ऐसा अपने गुरुओं का जो भी है पुण्यतिथि माँ के प्रति आपका जितना प्रेम है बहुत अच्छा है, ऐसा सदा ही करते रहिए। तो मैं इन्हीं शब्दों में जो है अब विराम लेता हूँ, और सबके लिए महाप्रसाद भंडारा लंगर तैयार है। कोई कुछ समय यादें हो गया है, समय दिया हुआ था कि 7 बजे तो हो जाता है कभी कभी, बड़ा आनंद आया सुन करके। और कभी भी आप ऐसा घर में भी पाठ किया करो माँ का शक्ति का, तो आप जो भी चाहो जो भी सोचो वो आपको मिल सकता है, लेकिन लगन ऐसी होनी चाहिए जैसा आज सनी ने बड़ी लगन से पाठ किया और आप लोगों ने भी पाठ किया। इसलिए लगन से आप पढ़ना तो इसका आपको बहुत फल प्राप्त हो सकता है। गुरु शक्ति मैया की, गुरु कृष्णा माता की जय। सब बड़े प्रेम से बोलेंगे जय करा सतगुरु जी महाराज पाहुल सचे दरबार की जय। ओम जय कृष्णा मैया सतगुरु जय कृष्णा मैया।
चाहिए जी, भक्ति जी से प्रार्थना। भक्त जी संपूर्ण अरदास के लिए आ जाए, जी अरदासों का वेला है जी, जिस भगत ने अपने महारानी भगवती कृपा मंडल वालों के अरदास, संपूर्ण चौकी के अरदास, महारानी आप जी के चरण कमल के पास लिखे लाना, चरणों से लगाए रखना सदा अपना प्रणाम, बोल सच्चे दरबार की जय। और भक्तों के अरदास, संपूर्ण चौकी के अरदास आपके, आप जी के चरणों के पास एक और अरदास, संपूर्ण चौकी के अरदास माँ जी की, और संतों भक्तों के अरदास महारानी आप जी के चरणों के पास एक और अरदास, आपके भक्तों के अरदास, आपके परिवार के अरदास, संतों भक्तों की अरदास, संपूर्ण चौकी की अरदास, आपके अपने बच्चों की अरदास महारानी आप जी के चरणों के पास, संतों भक्तों की अरदास, 500 गुरु की अरदास, 100 गुरु की अरदास। अमृत बरसे बरसे जी माता रानी के द्वार, अमृत बरसे बरसे जी माता रानी के द्वार, माता रानी के द्वार अम्बे रानी के द्वार, माता रानी के द्वार अम्बे रानी के द्वार, अमृत बरसे बरसे जी माता ले जाएंगे मन की मुरादें, ले जाएंगे
पानी की वैया हो गए पार भवर से अमृत बरसे बरसे जी नैना देवी के द्वार अमृत बरसे बरसे जी नैना देवी के द्वार नैना देवी के द्वार मनसा देवी के द्वार नैना देवी के द्वार मनसा देवी के द्वार अमृत बरसे ते हजार